वक्त चार नहीं देखा, अपमान नहीं देखा, वो तुम्हारा भला कर देगा? तो जो लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे, क्या है तुम्हारे लिए आगे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? तो तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अभी हाथ ऊपर ही रखना, मैं देखूंगा कितना जोर है तुम लोगों में। मध्य प्रदेश में कि आने वाला कल सिर्फ बहुजनों का है, बहुजनों को कोई आज के बाद यह अपमानित नहीं करेगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, सरकार के अधिकारी कर्मचारी नुमाइंदे भी यहाँ होंगे, ये बहुजन समाज है, ये संविधान को मानता है, इसलिए चुप है, वरना इसने पहले भी समय समय पे जो है उदाहरण पेश किए हैं। इसके सब्र का इम्तिहान मत लेना, उधम सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ, साहब काशीराम का बेटा हूँ, तो मैं संविधान को मानता हूँ, इसलिए संविधान की भाषा से बता रहा हूँ। जो अधिकारी कर्मचारी आपके काम ना करे ना, जो आपका मुकदमा ना लिखे, जो आपके चार्जशीट में धोखेबाजी करे, पैसे लेके गलत चार्जशीट लगाए, आप उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करके हमें देना, हम उसे बताएंगे कि इस कानून में सेक्शन 4 भी है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी न्याय नहीं देगा, उसे जेल जाने से सरकार भी नहीं बचा पाएगी। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये भी बता देने आया हूँ कि मैं जल्द ही तहसील स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी को कह के दो दो वकीलों की व्यवस्था कराऊंगा, तीन तीन की, एक दलित समाज से, एक मुस्लिम समाज से, एक ओबीसी समाज से, किसी को भी रिपोर्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप जाइए अपने दफ्तर पे, अपनी जो भी परेशानी बताइए, वही तुरंत आपके एफआईआर टाइप होगी और हमारे यहाँ मिलेगा आपको सहयोग से, जो है थाने जाएंगे, एफआईआर दर्ज भी होगी और आपको न्याय भी मिलेगा। अब आपको न्याय के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं है कि हमारे लोग जाके अधिकारियों का हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे, न्याय दे दो। न्याय हमारा जनसिद्ध अधिकार है, उसे हम छीन के लेंगे। और सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, LIO होगी यहाँ और IBB होगी, कि बुरहानपुर जिले में आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है, सीधी गोली मारी जा रही है, उनकी जमीन उन्हीं से छीन रहे हो। अगर वो न्याय के हक की बात करते तो नक्सल लिखा के गोली मारते हो, चाहते क्या हो? इससे तो यह साबित होता है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक है, क्योंकि वो भी हमारे लोगों को मारती है, तुम भी हमारे लोगों को मार रहे हो। मैं चाहता हूं कि जो ऐसी घटना हुई, सरकार उसमें संवेदनशीलता दिखाए और हमारे लोगों को न्याय दे। हमारे अब एक भी आदिवासी भाई की जान जाएगी तो समझो सरकार की कुर्सी जड़ तक हिल जाएगी। मैं जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ भीम आर्मी की, स्टेट कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि समाज का भरोसा आप लोगों के प्रति, आपकी जान चली जाए लेकिन ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। आपको अपना खून देके भी समाज के लिए बलिदान करना पड़े तो दे देना, लेकिन समाज के भरोसे को आज नहीं आनी चाहिए। बहुजन समाज के लोग अगर आपके नेतृत्व में भी यहाँ पिटते हैं तो इसका मतलब हम लोग कमजोर हैं। मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ों के आशीर्वाद से, नौजवानों की मेहनत से बहुजन समाज यहाँ ताकतवर भी बनेगा, राजा भी बनेगा, हमारा राज भी आएगा,
और हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर इस देश में सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करेंगे। हमारे भी घरों में गाड़ियां होगी, हमारे भी पगले होंगे, हमारे यहाँ भी नौकर चाकर होंगे, हम भी देश के मालिक होंगे। ऐसी मेरी मंगल कामना है। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब भी भीम आर्मी की स्टेट कमेटी, जिला कमेटी कहीं भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए तो आप लोग उनकी ताकत बनने के लिए जाना, क्योंकि ये MP MLA नहीं है, ये आप जैसे लोग हैं, लेकिन इनको नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा में आप लोगों की जिम्मेदारी समझू, इनकी सुरक्षा में आपके भरोसे समझू। देखो, इनकी सुरक्षा के नाम पे हाथ नहीं उठ रहे, तुम्हारे होते इनको सुरक्षित समझू, तो चलो विश्वास करो। एक मिनट, बहुत जरूरी बात जो है परवारी जी बता रहे हैं, तेरिया में युवक की हत्या हुई, सिद्धू की लिंगोज में हत्या हुई, लिंगोड़ा में, लालगढ़ में हत्या हुई, मधकोटा में पैदल जुलूस नहीं निकालने दिया जाता, क्यों भाई? अभी लोकतंत्र में आर्टिकल 15 है, सबको अधिकार है, लोकतंत्र आर्टिकल 15 का जोर है, मैं देख रहा हूँ, उनमें इस मूछों का भी जोर है, लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर 19 समानता की बात करते हैं, छुआछूत के विरुद्ध आर्टिकल 15 अधिकार देता है, तो कौन रोक सकता है भाई? अब की बार निकालना, अगर बना होगी तो मैं वादा करता हूं मैं खुद आकर निकलवाऊंगा, और जहां हमारी घोड़ी रोके जाएगी वहां हम हाथी से करवाएंगे बारदवारी, मैं खुद आऊंगा, लेकिन सम्मान स्वाभिमान के साथ और बहनों के प्रति जो सम्मान मेरा है पूरे समाज का, उसके साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि बहनें उनकी कोई जाति नहीं होती, आप मेरी मुझसे नीची मत कराना बहनों के साथ कोई अपमान करके, बहनें किसी भी जाति की हो उनका अपमान करके आप मेरी मुझसे नीची मत कराना, ये वादा आप लोगों को मुझसे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं स्वाभिमान के लिए आज अगर सवाल के लोग कहे कि चंद्रशेखर भाई आपसे खून का कतरा चाहिए, तो बाबा साहब को और भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि यही एक खून का कतरा बांधूंगा, मैं लालच लेके पैदा नहीं हुआ हूं, ये लड़ाई में मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया कि जाओ ये लड़ाई लड़ो, मेरे यहाँ दिल में आ गया, मैंने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने अपने लोगों का अपमान होते देखा है, और फिर मैंने उन लोगों को मौका दिया जिनको मुझे लगता है उनके दिलों में पीड़ है, ये दुले सिंह हो, दत्तू जी हो, सुनील हो, जीवन हो, ये डाबी हो, ये इनमें मैंने अपनी ऐसी पीड़ देखी समाज के प्रति, और जब मैंने इनके अंदर पीड़ देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो इनको इकट्ठा करके इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पे कि यहाँ हीरे हैं मेरे पास, उन हीरों की चमक कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि याद रखना बलिदानी का जज्बा बार बार पैदा नहीं होता है, और हर माँ की कोख से शेर पैदा नहीं होता है, ये तो मगर मध्य प्रदेश की धरती है, यहाँ तो हर माँ की कोख से शेर पैदा हो रहा है बहुजन। देखो ये रामेश्वर मालवीय, मुझे इसके बारे में पता लगा, इससे कहा मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, आत्महत्या करना कायरता होती है, अगर अन्याय कोई हो रहा है उसके खिलाफ लड़ो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, आज सरकार उनकी है, आज प्रशासन उनका है, आज जज उनके हैं, कल तुम्हारे भी आएंगे, कल तुम्हारी भी सरकार होगी, अपने गुस्से को ठंडा मत होने देना, लेकिन तुम ये भी याद रखना कि हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव करना है, सिर्फ सत्ता लक्ष्य नहीं है कि सत्ता मिल जाए, लेकिन सत्ता के साथ वो व्यवस्था बदलनी चाहिए जिसमें आज के हमारा आदमी IAS तो बन सकता है, राष्ट्रपति तो बन सकता है, लेकिन वो है अछूत ही,
उस व्यवस्था को भी छोड़ देनी है। यह व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक दिल्ली की गद्दी पे आपका आदमी नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस दिन आपका आदमी दिल्ली गद्दी पे बैठेगा याद रखना उसी दिन वो वहां से ऐलान करेगा। प्रथम ऐलान पता क्या होगा कि आज के बाद इस देश में जाति खत्म। जैसे वो एक जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, जैसे उन्होंने एक दिन आके कहा कि भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 का नोट बंद, याद है ना 8 नवंबर की वो रात। इसी तरह से जिस दिन आपका आदमी होगा तो वो क्या कहेगा आज को रात को 8 बजे आके, वो भाइयों बहनों नहीं कहेगा गांधी साहब बंद, वो ये कहेगा पूरे देशवासियों आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने तय किया कि आज से देश में कोई जाति नहीं रहेगी, आज से देश जाति विहीन हो जाएगा, कोई किसी का जाति के नाम तो उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। लेकिन ये पीड़ा पता है किसको होगी, जिसने जाति का दंश सहा होगा, जिसने जाति का अपमान सहा होगा, जिसने जाति की वजह से मार खाई होगी, जिसने जाति का भेदभाव देखा होगा, जो जाति की वजह से कुर्सियों बैठा हुआ वो थोड़ा खत्म कर देगा, तो वो दिन भी आएगा। मैं ये मालवीय कहां गया, मैं तुझसे वादा करता हूं, देखो ये वादा तुम लोगों के भरोसे हो रहा है कि वो दिन भी आएगा कि जब दिल्ली की गद्दी पे नीला झंडा लहराया जाएगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि अगर मैं 15 साल जिया तो अगर 15 साल के अंदर दिल्ली गद्दी पे नीला झंडा ना फहराया तो खुद गोली मार लूंगा अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला कल जो है वो बहुजनों का है, क्योंकि बहुजन समाज के युवाओं की एनर्जी में देख रहा हूं कि वो झुकना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो बलिदान देना बर्दाश्त कर रहे हैं, गोली हाथ आ रहे हैं, ईंट नहीं दिखा रहे हैं। बहुत जल्द आपके अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। बस मेरा निवेदन है कि जब भी किसी आंदोलन की बात हो, जब भी अधिकारों के खिलाफ लड़ाई की बात हो, संघर्ष की बात हो, ये वकील साहब देखो ऐसे बदलता है समाज। वकील साहब अपने लोगों के SC ST के बिना पैसे के केस लड़ेंगे। अगर उज्जैन में मैं वकील साहब को एक भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको बुला के ऐसा तैयार करूंगा कि आपके नाम से ये सरकार पूरी डरेगी, याद रखना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि तलवार से ज्यादा 1000 तलवार से ज्यादा अगर ताकत है तो वो एक कलम में है। तो मैं आपकी एनर्जी को वो धार दूंगा कि जिसके बाद आपकी कलम से ये सरकार डरेगी। तो ये समय बदलेगा। अच्छा जो लोग यहाँ हड़ताल में बैठे थे, प्रभारी सुनील अस्ते जी, पाली राम सूर्यवंशी जी, अच्छा नागुलाल जी, नागुलाल सिसोदिया जी, कैलाश भामनिया जी, जिलाध्यक्ष जो है हमारे, और भी अगर कोई साथी छूट गया हो तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूंगा प्रभारी जी से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की मीटिंग का फाइनल डिसीजन सरकार को बता दे कि इतने दिन के अंदर अगर बाबा साहब के नाम वो नामकरण नहीं हुआ हॉस्पिटल पे तो आगरा की चप्पा, आगरा के एक एक गाड़ी, एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी, आगरा के एक आदमी जय भीम बोलेगा, ये बात याद रखना आपको। मैं राजस्थान में भी वादा करके आया हूं 1 अगस्त का कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला, उस बहन के साथ दुष्कर्म करने वालों को अगर जेल नहीं भेजा गया, अगर उन पर 302 का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ मेरे भाई की मौत का नेम सिंह का, तो याद रखना कि राजस्थान पूरा बंद कर दूंगा। तो उसी ये ताकत जो है वो समाज की है, इसी में भरोसा दिलाता हूं कि आगर का चप्पा चप्पा जय भी बोलेगा अगर हमारी दीवी सीमा के अंदर वो बाबा साहब के नाम से ना बना। और मैं सरकार को ये भी बता दूं, अड़नी पड़नी करनी सेना से मत डरना, अड़नी पड़नी करनी से जय संविधान से डरते हैं और संविधान
संविधान से चलना चाहते हैं, वरना जितनी आनी पड़नी करनी सेना, इतने तो हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमारे सफर का इम्कान ना लिया जाए। गीदड़ों की धमकी से शेरों के झुंडों को चैलेंज कर रहे हो, बताओ। याद रहे, शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है।